हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरडी चौधरी और आप देख रहे हैं जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स बठिंडा के नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड के पेपर के बारे में, जो 2019 के अंदर हुआ था विथ रेशनल। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू। ऑप्शन ए, काउंट द रेस्पिरेटरी रेट। ऑप्शन बी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन टू द लंग्स। ऑप्शन सी, मेजर कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। और ऑप्शन डी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन ब्लड। अब इसका रेशनल देखते हैं। ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी रेट को काउंट कैसे करते हैं। वन कंप्लीट ब्रीथ इन वन इनहेलेशन व्हेन चेस्ट राइजेस, फॉलोड बाई वन एक्सहेलेशन व्हेन द चेस्ट फॉल्स। टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट, काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स फॉर एन एंटायर मिनट्स और काउंट्स फॉर 30 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2। यानी एक कंप्लीट ब्रीथ लेते हैं, इनहेल करते हैं जिससे चेस्ट राइज होती है, और फिर अपन देखते हैं कि जैसे ही एक्सहेल होता है तो चेस्ट फॉल होती है। इस पूरे मेजरमेंट के अंदर रेस्पिरेटरी रेट को कैसे मेजर करते हैं, काउंट करते हैं उसके अंदर कंप्लीट एक ब्रीथ को, इनहेल एंड एक्सहेल को एक साथ, पूरा पूरा का पूरा एक ब्रीथ को काउंट करते हैं एंटायर मिनट, यानी एक कंप्लीट मिनट तक कितनी ब्रीथ हुई है, और काउंट्स फॉर 30 सेकंड्स एंड मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2। और यदि अपन 30 सेकंड तक उसको काउंट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक मिनट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आ जाती है। तो रेस्पिरेटरी रेट तो इस तरीके से काउंट होती है, तो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज पल्स इसके अंदर तो नहीं होता। फिर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन टू द लंग्स। लंग्स के अंदर अपन ऑक्सीजन को किस तरीके से मेजर करते हैं, तो इसको अपन पीएफटी से मेजर करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके, कि अपने जो टाइडल वॉल्यूम वगैरह होगी, कितना ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर, इसको अपन पीएफटी से मेजर करते हैं। फिर है ऑप्शन सी, मेजर कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल किससे देखते हैं, तो एक एबीजी है, आर्टेरियल ब्लड गैसेज एनालिसिस, इससे अपन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखते हैं ब्लड के अंदर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लंग्स के अंदर देखने के लिए अपन यूज करते हैं ETCO2, यानी एंड टाइटल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर करते हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव मेजरमेंट है, और एबीजी है वो इन्वेसिव मेजरमेंट है। फिर ऑप्शन डी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मेजर करने के लिए नॉन इन्वेसिव मेथड तो होता है पल्स ऑक्सीमीटर, जो इस क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछा गया है, और इन्वेसिव मेथड होता है एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, इसमें किस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑप्शन ए है वेजाइनल म्यूकोसा, ऑप्शन बी यूरेथ्रल म्यूकोसा, ऑप्शन सी लेवेटर एनी मसल, और ऑप्शन डी है एनाल स्पिनेक्टर। सबसे पहले अपन बात करेंगे पेरिनियल टीयर की जो डिग्रीज है उसके बारे में। तो पेरिनियल टीयर को 4 डिग्री के अंदर कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है, वेजाइनल एपिथेलियम और पेरिनियल मसल। सेकंड डिग्री के अंदर वेजाइनल एपिथेलियम और पेरिनियल स्किन के साथ में पेरिनियल मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बट एनाल स्पिनेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। थर्ड डिग्री के अंदर एनाल स्पिनेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको भी 3 सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी। थर्ड ए के अंदर तो एक्सटर्नल एनाल स्पिनेक्टर का 50% से कम पार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड बी के अंदर एक्सटर्नल एनाल स्पिनेक्टर का 50% से ज्यादा पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और थर्ड सी के अंदर इंटरनल स्पिनेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं फोर्थ डिग्री की। फोर्थ डिग्री के अंदर थर्ड डिग्री तो होता ही होता है, इसके साथ में एनाल एपिथिलियम का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं इसके ऑप्शन के लिए, तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ए है वेजाइनल म्यूकोसा, तो वेजाइनल म्यूकोसा फर्स्ट डिग्री इन्वॉल्वमेंट है। ऑप्शन बी यूरेथ्रल म्यूकोसा, इसका पेरिनियल टीयर के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेवेटर एनी मसल, इसका भी पेरिनियल टीयर के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऑप्शन डी है एनाल स्पिनेक्टर, इसका थर्ड डिग्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। अब बात करते हैं लेवेटर एनी मसल क्या होती है, जिसके अंदर ऑप्शन सी है लेवेटर एनी मसल, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। इट इज ब्रॉड थिन मसल, ये एक ब्रॉड थिन मसल होती है सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ पेल्विस, जो अपनी पेल्विस होती है पेल्विस के दोनों साइड के अंदर सिचुएटेड होती है। इट इज फॉर्मेड फ्रॉम 3 मसल्स, तीन प्रकार के तीन मसल्स होते हैं जिसके इन्वॉल्वमेंट से, जिसके मिलने से, या जो अपने लेवेटर एनी मसल्स बनाती है। फर्स्ट नंबर प्यूबोकोकीजियस, सेकेंड नंबर है इलियोकोकीजियस, और थर्ड है प्यूपो रेक्टालिस। ये तीन मसल्स होती है, तीनों मसल्स मिलके इसको फॉर्म करती है, लेवेटर एनी मसल्स को बनाती है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एज ए नर्स यू टीच ए क्लाइंट हु हैज हैड सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प विथ टिश्यू रिपेयर। आप एक नर्स हो और एक क्लाइंट को आप टीच कर रहे हो कि सर्जरी के बाद कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो आप इंक्रीज करोगे जिससे टिश्यू रिपेयर होंगे, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट। अब इन चारों के अंदर बात करते हैं तो ऑप्शन है फैट। फैट का क्या काम होता है? फैट अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी सप्लाई करती है और वो भी लॉन्ग लास्टिंग, लंबे टाइम तक एनर्जी सप्लाई करने के लिए अपन फैट, क्योंकि ये फैट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। ऑप्शन बी है प्रोटीन। सप्लाई एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, ये एनर्जी भी सप्लाई करती है और ग्रोथ भी करती है अपनी बॉडी की और रिपेयर भी करती है कुछ टिश्यूज को। फिर ऑप्शन सी विटामिन, रेगुलेटिंग हाउ बॉडी टिश्यू ग्रो एंड द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी। विटामिन्स अपनी बॉडी के अंदर इस चीज को रेगुलेट करती है कि टिश्यू की ग्रोथ कैसे होती है और ये एनर्जी को किस तरीके से किस प्रोसेस के अंदर अपनी को बॉडी को प्रोवाइड कराती है। ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट, ये अपने को एनर्जी सप्लाई करता है। फिर एक न्यूट्रिएंट्स और होता है मोस्टली फैट, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट के साथ में जो मोस्टली अपन लेते हैं वाटर। वाटर का अपनी बॉडी के अंदर मोस्टली क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स अपन लेते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और जो वेस्टेज होता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए अपनी किडनीज और यूरेथ्रा के पास लेके जाता है। एड्स इन डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ये डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है जिससे डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। एंड हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। तो करेक्ट आंसर हुआ बी, यानी प्रोटीन है वो, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने को इंक्रीज करना चाहिए जिसके कारण से एक सर्जरी हुआ हुआ पेशेंट है उसके टिश्यू जल्दी से जल्दी रिपेयर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप विद द नर्स माइट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए नर्स पेशेंट के साथ ओरिएंटेशन फेज के अंदर किस पॉइंट का यूज करती है? डिस्कस द कार्ड एंड द फ्लावर इन द रूम। ऑप्शन बी रिव्यू द क्लाइंट्स हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई पॉसिबल हेल्थ कंसर्न्स। ऑप्शन सी वर्क टुगेदर विद द क्लाइंट टू स्टेब्लिश गोल। ऑप्शन डी यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन टू मैनेज द क्लाइंट्स कंफ्यूजन। अब इसका रेशनल देखने के लिए सबसे पहले अपन थेरापेटिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द फेस टू फेस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग द फोकस ऑन एडवांसिंग द फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ ए पेशेंट। नर्सेज यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट। यानी थेरापेटिक कम्युनिकेशन होती क्या है, इसके अंदर फेस टू फेस प्रोसेस है एक पहली बात, तो सेकेंड बात रही ये इंटरेक्टिंग द फोकस ऑन एडवांसिंग द फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। पेशेंट की फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए एडवांस फोकस किया जाता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन के लिए, एडवांसली ही। नर्सेज यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट। यानी थेरापेटिक कम्युनिकेशन का यूज करने से पेशेंट को सपोर्ट मिलता है और उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं अपन। तो इसके लिए ओरिएंटेशन फेज के अंदर सबसे यूजफुल थेरापेटिक कम्युनिकेशन ही होती है। तो ऑप्शन डी हो गया, यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन टू मैनेज द क्लाइंट्स कंफ्यूजन। तो राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर इज डी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए चाइल्ड हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड 240 ml ऑफ फ्लूइड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय माइक्रो ड्रिप सेट ओवर 6 आवर। द नर्सेज विल रेगुलेट आईवी 8। 160 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन बी 120 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन सी 40 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन डी है वो 60 ड्रॉप पर मिनट। अब इसके अंदर रेशनल देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला। यानी एक चाइल्ड है, इसको प्रेस्क्राइब किया हुआ है 240 ml फ्लूड और वो भी माइक्रो ड्रिप सेट से देना है 6 आवर के अंदर, 6 घंटे के अंदर 240 ml उसको फ्लूड देना है माइक्रो ड्रिप सेट से। तो अपन कितनी ड्रॉप पर मिनट देंगे उसको, तो ड्रॉप रेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। जो भी ड्रॉप फैक्टर होता है ml, जो गट पर ml यानी 1 ml के अंदर जो कितनी ड्रॉप होती है, यानी ड्रॉप पर ml डिवाइड बाय टाइम पर मिनट, जो जिसके अंदर टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं, 1 मिनट के अंदर जितना टाइम होता है उससे। तो इस क्वेश्चन के अंदर 240 ml यानी 240 मल्टीप्लाई बाय 60, जो 240 ml फ्लूड है उसको 60 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और 60 मल्टीप्लाई बाई 6 इसको अपन डिवाइड करेंगे, यानी 14,400 कहाँ होगा, 240 को अपन 60 से मल्टीप्लाई किया तो 14,400 हो गया, इसको अपन डिवाइड करेंगे 360 से। 360 कहाँ से आया, 60 इंटू 6 इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 360, इससे डिवाइड करने पे 40 ड्रॉप्स पर मिनट आ गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6।
A 2-year-old arrives in emergency room with an elevated temperature. During the physical examination, the child color become dusky, the body stiffness, and the extremities begin to twitch. The nurse should be aware that the child is most probably experiencing. एक 2 साल का बच्चा है जो इमरजेंसी रूम में आ रहा है एलिवेटेड टेम्परेचर के साथ में. जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसका कलर डस्की हो जाता है और बॉडी स्टिफनेस है उसको, एक्सट्रीमिटीज के अंदर ट्विचिंग आ रही है. तो नर्स इस चीज के अंदर किस अवेयर होनी चाहिए कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है उसको. ऑप्शन ए है फेब्राइल सीजर, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऑप्शन सी है टेम्पर टेंट्रम और ऑप्शन डी है स्वीरिंग. अब ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं. फेब्राइल सीजर क्या होता है? फेब्राइल सीजर आर कन्वल्जन्स दैट कैन हैपन व्हेन ए यंग चाइल्ड हैज ए फीवर अबव 100.4 डिग्री फारेनहाइट. द सीजर यूजुअली लास्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड स्टॉप ऑन देयर ओन. द फीवर मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स. फेब्राइल सीजर होते हैं वो कन्वल्जन्स होते हैं और ये यंग चाइल्ड के अंदर फीवर के साथ होते हैं. फीवर इसके अंदर 100.4 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा होता है और ये कुछ मिनट्स के अंदर अपने आप ठीक हो भी सकते हैं और कुछ टाइम तक रह भी सकते हैं. ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी अरेस्ट. रेस्पिरेटरी अरेस्ट इज कॉल्ड बाई एपनिया यानी कैसेशन ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन भी बोल सकते हैं इसको. ऑप्शन सी टेम्पर टेंट्रम आर अनप्लीजेंट एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर और इमोशनल आउटबर्स्ट. दे ऑप्शन अकर्स इन रेस्पॉन्स टू अनमीट नीड्स और डिजायर्स. एक जो बच्चे के अंदर होता है ये और अनप्लीजेंट एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है एक तरह से, इमोशनल आउटबर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको. ये अनमीट नीड्स और डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं. ऑप्शन डी स्वीरिंग. बॉडी रेगुलेट्स इट्स रेस्पॉन्स टू हीट कोल्ड स्ट्रेस इन्फेक्शन एंड अदर कंडीशंस विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट. यू स्वीट टू कूल द बॉडी व्हेन यू गेट ओवर हीटेड फॉर एग्जाम्पल्स बट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एंड व्हेन यू गेट कोल्ड यू स्वीर ऑटोमेटिकली. जब आप कोल्ड होगा आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो आप ऑटोमेटिक स्वीरिंग होने लग जाती है ओवर हीटेड होने के लिए, और जब आप ओवर हीटेड हो जाते हैं तो आपको स्वीट आएगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा बॉडी को कूल करने के लिए. ये बॉडी की एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है यानी बॉडी कंपेंसेट करती है ऑटोमेटिकली उस एनवायरमेंट को अपनी बॉडी के अंदर एडजस्ट करने के लिए, अपना नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए. तो इसके अंदर राइट आंसर है फेब्राइल सीजर. करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 7. A child is being discharged from the emergency with a diagnosis of acute glomerulonephritis. Which of the following measures would a nurse include in home care plan? एक बच्चा है जो emergency के अंदर acute glomerulonephritis से diagnosed है, वो discharge हो रहा है, तो उसके लिए discharge teaching देनी है उसको घर के लिए, home care के लिए. तो क्या discharge teaching देगी nurse patient को? Option A rest or fluid intake, option B wait daily, ऑप्शन सी मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, ऑप्शन डी लिमिट विजिटर्स. तो इसके अंदर ऑप्शन बी वेट डेली. क्यों वेट डेली? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिनल फंक्शन होते हैं वो इंपेयर हो जाते हैं जिसके कारण से डेली वेट लेना होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूड रिटेंशन हो सकता है. जैसे अपन रेशनल ए चाइल्ड विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैज ए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ इंपेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू फ्लूड रिटेंशन एंड इंपेयर्ड मेजरिंग डेली वेट, इसलिए डेली वेट लेना है. करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 8. एन 8-year-old इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन सिकल सेल क्राइसिस. अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड. एक 8 ईयर का बच्चा है जो हॉस्पिटल के अंदर सिकल सेल क्राइसिस से पीड़ित है और एडमिट है. अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या होगी उस टाइम के अंदर उसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोल्ड कंप्रेस टू पेनफुल जॉइंट, ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्टेड फ्लूड अंटिल क्राइसिस इज ओवर, ऑप्शन डी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस टू ऑल पॉइंट्स. इसका रेशनल देखते हैं. सिकल सेल क्राइसिस होता क्या है? सिकल सेल क्राइसिस इज पेन दैट कैन बिगिन सडनली एंड लास्ट सेवरल ओवर टू सेवरल डेज. इट हैपन व्हेन सिकलेड रेड ब्लड सेल्स ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू योर बोन्स. यू माइट हैव पेन इन योर बैक, नीज, लेग्स, आर्म्स, चेस्ट, स्टोमक. द पेन कैन थ्रोबिंग शार्प डल और स्टेबलिंग. इसके अंदर होता क्या है? सिकल सेल क्राइसिस के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है जो सडनली स्टार्ट होता है और कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक भी ये पेन रह सकता है. इसके अंदर होता क्या है? जो सिकलेड रेड ब्लड सेल्स होती है जो सिकल सेप की हो जाती है, इसके अंदर सिकल सेल के अंदर होता क्या है, जो आरबीसी की जो साइज होती है वो सेप होती है वो चेंज हो जाती है, जो हसीये के आकार की हो जाती है रेड ब्लड सेल्स.
ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे ब्लड जो अपनी बोन को ब्लड लेके जाते हैं वहां तक, उस ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। यू माइट हैव पेन होगा, जिसके कारण से बैक, नी, लेग, आर्म्स, चेस्ट, स्टोमक इनके अंदर, और ये पेन होगा बहुत ही थ्रोबिंग, शार्प और डल होता है और स्टेबिंग होता है। कोजेज, सिकल सेल क्राइसिस के कारण क्या हो सकते हैं? सडन चेंज इन टेम्परेचर मेक ब्लड वेसल्स नेरो, अचानक से टेम्परेचर का कम हो जाना जिसके कारण से ब्लड वेसल्स नेरो हो जाती है। वेरी स्ट्रेनस और एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेना, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने के कारण से ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, जिनके कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से जो रेड ब्लड सेल्स होगा उनका इमेच्योर होगी और उससे उसके जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। डिहाइड्रेशन से ड्यू टू लो ब्लड वॉल्यूम, डिहाइड्रेशन होगा जिसके कारण से लो ब्लड वॉल्यूम होगी। इन्फेक्शन, स्ट्रेस, एल्कोहल, स्मोकिंग, ये इसके कॉज हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेन मेडिकेशन एंड पॉसिबली सर्जरी, सच एज टू करेक्ट विजन प्रॉब्लम्स और टू रिमूव डैमेज्ड स्प्लीन। इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर क्या देंगे, अपन एंटीबायोटिक्स देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, पेन मेडिकेशन देंगे, और यदि पॉसिबल होगा तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सच एज टू करेक्ट विजन प्रॉब्लम्स, इसके कारण से क्या होगा, विजन प्रॉब्लम्स होती है तो उसको करेक्ट किया जाए, और रिमूव डैमेज्ड स्प्लीन, ये स्प्लीन की प्रॉब्लम है आरबीसी की, तो इसके अंदर जो स्प्लीन होगी, जो डैमेज हुआ वो पार्ट है उसको रिमूव किया जाए। अब नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, गिव ऑक्सीजन, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यदि बनती है तो होती है गिव ऑक्सीजन। सेकेंड प्रायोरिटी के अंदर गिव पेन मेडिकेशन, हाइड्रेट करेंगे उसको एनएस से इंट्रावेनसली, उसको आईवी रूट से अपन एनएस देंगे, एंड ओरली चॉइस ऑफ लिक्विड विदाउट कैफीन, कैफीन नहीं होना चाहिए, और ओरली भी अपन लिक्विड देते रहेंगे। रिमूव एनी कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग, जो भी को टाइट कपड़े वगैरह होंगे वो उनको रिमूव करेंगे। इनकरेज क्लाइंट टू कीप एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंडेड टू प्रोमोट वेनस रिटर्न, यानी एक्सटेंडेड रखेंगे उसके एक्सट्रीमिटीज को, जिसके कारण से वेनस रिटर्न आता रहे। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी ऑक्सीजन देंगे उसको, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी सिकल सेल क्राइसिस के पेशेंट को, जिनके कारण से जो सेल्स है वो और जो सेल्स है वो दूसरी उस शेप की ना बने, जिनके कारण से ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाती है? ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी नेलेक्सोन, ऑप्शन डी वारफेरिन। सबसे पहले बात करते हैं हिपेरिन की, इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा एंड देयरफॉर इज कंसिडरेड टू बी सेफ इन प्रेगनेंसी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है और प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल सेफ है, तो आंसर तो यही हो गया। पर ऑप्शन बी की देखते हैं, मोरफिन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है एंड ओपिएट्स कैन प्रोड्यूस न्यूनेटल सिडेशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओपिएट्स कौन से होते हैं, मोरफिन ओपिएट्स की कैटेगरी के अंदर ही आता है, ये नियोनेटल सिडेशन प्रोड्यूस करते हैं और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करते हैं, इसलिए ये तो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। ऑप्शन सी है नेलेक्सोन, इट नाउन टू क्रॉस द ह्यूमन प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस तो करता है, ए टर्म आफ्टर इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यदि आईवी और आईएम रूट से अपन नेलेक्सोन देंगे तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। एनिमल मॉडल हैव डेमोन्स्ट्रेटेड नो टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स, बल्कि ये एनिमल मॉडल्स पे देखा गया है कि टेट्रोजेनिक इफेक्ट कॉज नहीं करते हैं, नेलेक्सोन है वो क्रॉस तो करते हैं पर कोई भी टेट्रोजेनिक इफेक्ट कॉज नहीं करते। इफेक्ट इन ऑफस्प्रिंग ऑफ प्रेग्नेंट माइस एंड हेमस्टर्स गिवन लार्ज डोज ऑफ नेलेक्सोन, नेलेक्सोन से कोई भी इस तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। देर आर नो एडिक्वेट एंड वेल कंट्रोल्ड स्टडीज इन प्रेग्नेंट वुमेन, और इससे ज्यादा ये एनिमल मॉडल्स पे तो इसकी स्टडीज हुई है बट नेलेक्सोन की कभी प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर कोई स्पेशल स्टडीज है वो नहीं हुई है, वेल कंट्रोल्ड स्टडीज है वो प्रेग्नेंट वुमेन पे नहीं हुई हुई है आज तक। फिर बात करते हैं वारफेरिन की, वारफेरिन क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड कैन कॉज फिटल ब्लीडिंग, वारफेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और फिटल ब्लीडिंग कॉज करता है, इंक्लूडिंग इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड टेट्रोजेनिसिटी, ब्लीडिंग होने के कारण से इंट्राक्रेनियल हेमरेज मोस्टली पाया जाता है और टेट्रोजेनिसिटी होती है वारफेरिन के अंदर। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, हिपेरिन, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और प्रेगनेंसी के अंदर सेफ भी होता है। अब नेलेक्सोन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस तो करता है इसके अंदर बट इसका कोई टेट्रोजेनिक इफेक्ट नहीं आता है, बट यहाँ पे नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा पूछा है तो आंसर इसके अंदर हिपेरिन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी,
ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी ओरल पोलियो, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी रेबीज। यानी प्रेगनेंसी के अंदर रूटीनली कौन सी वैक्सीन दी जाती है। रेशनल के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा। फ्लू वैक्सीन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन शुड गेट ए फ्लू शॉट, नॉट द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बट नॉट ए रूटीन वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल सेफ होती है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन नहीं है, किल्ड वैक्सीन है, और प्रेगनेंसी के अंदर लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड गेट ए फ्लू शॉट, प्रेग्नेंट वुमेन को फ्लू शॉट दिया जाता है, फ्लू शॉट यानी फ्लू वैक्सीन दी जाती है, नॉट द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है, बट नॉट ए रूटीन वैक्सीन, बट ये रूटीन वैक्सीन भी नहीं है। ऑप्शन बी ओरल पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी आईपीवी। नाइदर द लाइव वैक्सीन या लाइव वायरस ओपीवी नॉर द इनएक्टिवेटेड वायरस आईपीवी वर्जन ऑफ दिस वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। यानी ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है और आईपीवी वैक्सीन होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर लाइव वैक्सीन होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसलिए ओपीवी प्रेग्नेंट मदर को नहीं दे सकते या प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते, बट आईपीवी सेफ होती है, आईपीवी दी जा सकती है। ऑप्शन सी है टिटनेस, टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस टिटनेस वैक्सीन एक्सपोजर। टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट वुमेन को कंपल्सरी होती है, जरूरत होती है उसको और रूटीनली दी जाती है, बट इसकी डोज है वो डिपेंड करती है प्रीवियस टिटनेस वैक्सीन के एक्सपोजर पे। यानी कम टाइम के अंदर ही उसको पहले डोज लगी हुई है तो सिर्फ सिंगल डोज के अंदर चल सकता है, अदरवाइज उसको टिटनेस की दो डोज दी जाती है। ऑप्शन डी है रेबीज, वैक्सीनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, डिफरेंट स्टडीज कन्फर्म दैट एंटी रेबीज वैक्सीन आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिपोर्टेड दैट नो मेटरनल और फिटल साइड इफेक्ट। इसके अंदर ये रेबीज वैक्सीन है, ये वैक्सीनेशन कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है रेबीज का, प्रेगनेंसी के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कुछ डिफरेंट स्टडीज है, उन्होंने कन्फर्म किया है कि एंटी रेबीज वैक्सीन होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल सेफ है, और रिपोर्टेड दैट नो मेटरनल और फिटल साइड इफेक्ट, और इससे कोई भी मेटरनल और फिटल साइड इफेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी, बट ये रेबीज वैक्सीन भी सेफ है, बट ये रूटीनली नहीं दी जाती है, सिर्फ रूटीनली सिर्फ टिटनेस वैक्सीन ही दी जाती है। हालांकि इन्फ्लुएंजा और टिटनेस रेबीज ये सभी दी जा सकती है प्रेगनेंसी के अंदर, बट रूटीनली सिर्फ टिटनेस वैक्सीन ही दी जाती है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्टिच बाथ इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टिच बाथ किस में दी जाती है। ऑप्शन ए अपेंडेक्टोमी, ऑप्शन बी हेमरोइडेक्टोमी, ऑप्शन सी कोलेसिस्टेक्टोमी, ऑप्शन डी मास्टियोडेक्टोमी। स्टिच बाथ क्या होता है, स्टिच बाथ कैन हेल्प ब्रिंग रिलीफ फॉर पीपल विद पेन, ये पेन को इन्फ्लामेशन स्वेलिंग और इरिटेशन इन द पेरिनियम, द स्पेस बिटवीन रेक्टम एंड वुल्वा और स्क्रोटम। पेरिनियम कौन सा एरिया होता है, रेक्टम और वुल्वा के बीच का या रेक्टम और स्क्रोटम। यानी फीमेल के अंदर तो रेक्टम और वुल्वा के जो बीच का जो एरिया होता है उसको पेरिनियम बोलते हैं, और मेल के अंदर जो रेक्टम और स्क्रोटम के बीच का जो एरिया होता है, बिटवीन जो एरिया होता है उसको अपन पेरिनियम बोलते हैं। उस पेरिनियम के अंदर पेन इन्फ्लामेशन स्वेलिंग और इरिटेशन को रिलीव करने के लिए स्टिच बाथ दिया जाता है। इट वे ऑफ बाथिंग जेनिटल्स That can help to relieve soreness, burning and inflammation. It useful for people who have problem in anal area, such as hemorrhoids or in infection in anogenital area. यानी एक ये वो वे है बाथिंग का, जेनाइटल्स को बात करने का, जिससे सोरनेस को रिलीव किया जाता है, बर्निंग को, इन्फ्लामेशन को रिलीव किया जाता है। इट यूजफुल फॉर पीपुल हु हैव प्रॉब्लम इन एनाल एरिया सच एज हेमरोइड्स और इन इन्फेक्शन इन एनोजेनाइटल एरिया। इसके अंदर हेमरोइड्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उन सभी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व आउट करने के लिए स्टिच बाथ लिया जाता है। ऑप्शन ए है अपेंडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। तो ये तो अपेंडिक्स के लिए तो कोई इसका रोल ही नहीं हो सकता स्टिच बाथ का, बट अपेंडेक्टोमी होती क्या है, सर्जिकल रिमूवेबल और अपेंडिक्स। ऑप्शन बी है हेमरोइडेक्टोमी, रिमूव सीवियर हेमरोइड्स, आल्सो नाउन एज पाइल्स। हेमरोइडेक्टोमी क्या होती है, जो हेमरोइड्स को रिमूव करने की जो सर्जरी होती है उसको अपन हेमरोइडेक्टोमी बोलते हैं, जिसको अपन हेमरोइड्स को पाइल्स भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है कोलेसिस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवेबल और गॉल ब्लैडर को रिमूव करना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। ऑप्शन डी है मास्टाइडेक्टोमी,
मस्टोइडेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूव डिजीज्ड मस्टोइड एयर सेल्स। जो अपना एयर होता है, एयर के अंदर जो मस्टोइड एयर सेल्स होती है उनको जो डिजीज्ड यानी जो डिस्ट्रॉय हुई या फिर इन्फेक्टेड जो मस्टोइड एयर सेल्स है उनको रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं मस्टोइडेक्टोमी। द मस्टोइड इज एयर पार्ट यानी मस्टोइड इज पार्ट ऑफ योर स्कल लोकेटेड बिहाइंड योर ईयर। अपने ईयर के बिहाइंड एरिया के अंदर, स्कल के अंदर लोकेटेड होता है मस्टोइड पार्ट। तो करेक्ट आंसर इज बी यानी हेमरोइडेक्टोमी। हेमरोइडेक्टोमी के अंदर स्टिच बार। क्वेश्चन नंबर 12, रेगेज इन डाइट स्टिमुलेट्स एपेटाइट, पेरिस्टाल्सिस, द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस और ऑप्शन डी है सर्कुलेशन। रेगेज डाइट होती है वो क्या स्टिमुलेट करती है? रेगेज डाइट क्या होती है? इसको बोलते हैं, रेगेज डाइट को बोलते हैं फाइबर डाइट, यानी हाई फाइबर डाइट होती है वो, हाई रेगेज डाइट भी कहलाती है। इट इज पोर्शन ऑफ प्लांट फूड सच एज होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट योर बॉडी कैंट डाइजेस्ट। हाउएवर इट्स एन इम्पोर्टेंट फूड सोर्स फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन योर गट। इट मे ऑल्सो वेट मैनेजमेंट एंड डिक्रीज सर्टेन रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन बाई स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। इट हेल्प्स मैनेज कोलेस्ट्रॉल लेवल। रेगेज डाइट होती है इसको, एक तो अपन फाइबर डाइट भी बोलते हैं। ये पोर्शन ऑफ प्लांट फूड यानी प्लांट फूड का ही एक पोर्शन होता है, प्लांट फूड के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे होल ग्रेन हो गया, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, लेग्यूमेज हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, इनके अंदर पाई जाती है। दैट योर बॉडी कैंट डाइजेस्ट, क्योंकि इनके अलावा अपनी बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं करती है। हाउ एवर इट्स एंड इम्पोर्टेंट फूड सोर्स फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये फूड सोर्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने गट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उन बैक्टीरियाज के लिए। इट मे आल्सो वेट मैनेजमेंट एंड डिक्रीज सर्टेन रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। ये अपनी बॉडी का वेट मैनेजमेंट भी करते हैं और हार्ट डिजीज से भी प्रिवेंट करते हैं, उसको भी रिस्क फैक्टर से बचाते हैं। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन बाई स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। और ये कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं कैसे? पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करके, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाते हैं जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाता है। इट हेल्प्स मैनेज कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ये अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बॉडी के अंदर नॉर्मल बनाए रखती है, यानी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती है बॉडी के अंदर, उसको भी मैनेज करती है। ओके, तो इसके अंदर राइट आंसर वाज सी, क्योंकि ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाती है रेगेज डाइट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विथ वुंड हीलिंग। इसमें से कौन सी चीज है जो इंटरफेयर करती है वुंड हीलिंग को? ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टिव बैंडेज, ऑप्शन बी हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन सी कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन, ऑप्शन डी है मॉडरेट एक्टिविटी। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिव बैंडेज। हाई कंप्रेशन बैंडेज अप टू 60 mmHg आर नॉट ऑफ्टन यूज्ड बिकॉज द वेरी हाई प्रेशर जनरेटेड विल रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द स्किन एंड इंटरफेयर विथ वुंड हीलिंग। जो हाई कंप्रेशन बैंडेज होती है जिसके अंदर अपन 60 mmHg तक का प्रेशर लगा देते हैं, वो बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। इससे वेरी हाई प्रेशर जनरेट करने से अब वहां की अपनी जो ब्लड सप्लाई होती है वो रिड्यूस होती है, जिससे स्किन के अंदर इंटरफेयर होता है वुंड हीलिंग। स्किन की ब्लड सप्लाई यदि रिड्यूस होगी तो जिससे वुंड हीलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये एक तो इंटरफेयर करती है, ऑप्शन बी है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट तो हेल्प करती है वुंड हीलिंग के अंदर, तो इंटरफेयर करने का चांस ही नहीं है। और ऑप्शन सी है कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प इन वुंड हीलिंग। यदि सराउंडिंग एरिया, वुंड के जो सराउंडिंग एरिया होगा उसको अपन क्लीन रखेंगे तो वहां इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होगी, और इन्फेक्शन नहीं होगा तो वहां पे वुंड हीलिंग भी अच्छी होगी। तो ये भी प्रिवेंट करती है, इंटरफेयर तो बिल्कुल नहीं करती। ऑप्शन डी है मॉडरेट एक्टिविटी हेल्प इन वुंड हीलिंग। मॉडरेट एक्टिविटी होती है माइनर एक्टिविटी से भी बेटर होती है हालांकि, पर सीवियर एक्टिविटी के अंदर तो वहां पे वुंड एजेस होते हैं वो रेप्चर हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई भी इंटरफेयर होती है, इसलिए मॉडरेट एक्टिविटी होती है वो तो वुंड हीलिंग के अंदर हेल्प करती है, तो इंटरफेयर तो करने के चांसेस ही नहीं है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 14, द सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट आफ्टर 48 आवर कैन बी इवैल्यूएटेड बाय। एक पेशेंट है, बर्न पेशेंट है, उसको अपन फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी है और आफ्टर 48 आवर अपन इवैल्यूएट करते हैं कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी सक्सेसफुल हुई है या नहीं। तो इनमें से किसके द्वारा अपन ये चीज है वो चेक कर सकते हैं? ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी यूरिन आउटपुट,
और ऑप्शन सी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी है पेरिफेरल परफ्यूजन। इसका रेशनल देखते हैं, कभी भी बर्न पेशेंट होता है उसको 48 आवर तक फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी देने के बाद उसका होर्डली यूरिन आउटपुट करते हैं शुड बी मेंटेनेड एट 0.5 ml पर केजी पर आवर इन एडल्ट्स। पेशेंट विथ मिनिमल और नो यूरिन आउटपुट आफ्टर सस्टेनिंग सीवियर बर्न्स डिस्पाइट अप्रोप्रिएट फ्लूड रेसिटेशन जनरली डू नॉट सर्वाइव। यदि किसी को 0.5 ml पर केजी पर आवर ब्लड उसका यूरिन आउटपुट आ रहा है आफ्टर 48 आवर फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसके अंदर फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो सक्सेस हो चुकी है। और यदि उससे कम आ रहा है 0.5 ml पर केजी पर होवर से यूरिन आउटपुट कम आ रहा है या फिर नो यूरिन आउटपुट है, तो उसके बाद उसको फ्लूड और देने की जरूरत है, यानी अभी तक वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। ऑप्शन ए सी और डी नॉट रिलेटेड टू राइट आंसर, यानी वेट और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और पेरिफेरल परफ्यूजन है वो इसके लिए कोई राइट आंसर नहीं हो सकते। इसके अंदर करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन लिफ्टिंग ए पेशेंट ऑनटू ए स्ट्रेचर नर्स शुड बेंड फ्रॉम द, जब एक पेशेंट को अपन लिफ्ट करते हैं या उठाते हैं बेड से स्ट्रेचर पे लेना होता है, तो नर्स को कहां से बेंड होना चाहिए? शोल्डर, ऑप्शन बी बैक, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी रिस्ट। द लीडर शुड हैव 1 foot फॉरवर्ड विथ नी बेंड। कैसे उठाते हैं? जब पेशेंट को एक बेड से स्ट्रेचर पे शिफ्ट करना होता है, तो जब उठाने वाला जो लीडर होता है उनमें से एक टीम होती है, 3 से 4 मेंबर होते हैं, 3 to 4 मेंबर्स उस पेशेंट को बेड से स्ट्रेचर पे लेते हैं, जिनमें से एक लीडर होता है जो सिचुएशंस को फॉलो अप करता है। लीडर शुड हैव 1 foot फॉरवर्ड विथ नी बेंड, यानी नी को बेंड करेगा और 1 foot है वो फॉरवर्ड करेगा आगे। पेशेंट सेफली इन मेन कंसर्न, इस पूरे प्रोसेस के अंदर पेशेंट की सेफ्टी मेन कंसर्न होती है व्हेन लिफ्टिंग पेशेंट फ्रॉम बेड टू ए स्ट्रेचर, बट रिमेंबर नॉट टू लिफ्ट एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन बैक। पर कभी भी पेशेंट की सेफ्टी फर्स्ट है, बट कभी भी अपनी बैक की ये याद रखना है, ये रिमेंबर रखना है कि अपनी बैक को एक्सपेंस करके पेशेंट को कभी नहीं उठाना है। नेवर मूव ए पेशेंट बाई योर सेल्फ, अपने आप पेशेंट को कभी अकेले को नहीं मूव करना है। टू पीपुल यूजुअली कैन डू दिस मूव सेफली, उसको पेशेंट को सेफली मूव करने के लिए कम से कम 2 people का होना बहुत जरूरी है। द लीडर हु पुल्स शुड बी द स्ट्रॉन्गर ऑफ 2, द हेल्पर होल्ड द ड्रो सीट, नाइदर पुशिंग नॉर लिफ्टिंग एन एडिशनल असिस्टेंट कुड होल्ड द पेशेंट हेड एंड नेक ड्यूरिंग द ट्रांसफर। यूज एडिशनल असिस्टेंट और ए मैकेनिकल ट्रांसफर डिवाइस इफ पेशेंट इज ओवर 200 pounds। यानी नेवर मूव ए पेशेंट बाय सेल्फ, अकेले अपने आप कभी पेशेंट को नहीं उठाना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 person तो होने ही चाहिए पेशेंट को उठाने के लिए। द लीडर वो पुल्स, जो लीडर होगा जो मेन उस सिचुएशंस को फॉलो करता रहेगा, 3 से 4 मेंबर्स जो पेशेंट को उठाते हैं तब, शुड बी द स्ट्रोंगर ऑफ द 2, उन जो 2 अदर पीपल होते हैं उनके अंदर, उनकी तुलना के अंदर खुद ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। द हेल्पर होल्ड द ड्रो सीट, ड्रो सीट को उठाएगा, नाइदर पुशिंग नॉर लिफ्टिंग। An additional assistant could hold the patient head and neck during the transfer. Transfer करते time एक जो additional जो person होगा वो head और neck को वहाँ से उठाएगा और hold करेगा उसको। Use additional assistant or a mechanical transfer device if patient is over 200 pounds. यदि कोई patient 200 pounds से ज़्यादा weight का है, तो उस conditions के अंदर कभी भी अपन को mechanical उसको mechanical device वगैरह और additional assistant की ज़रूरत पड़ती है। उनकी सहायता से ही उस पेशेंट को उठाना चाहिए। तो इसके अंदर राइट आंसर हो गया सी, यानी जब पेशेंट को लिफ्टिंग करते हैं तो नीज से उसको उठाना चाहिए, क्योंकि शोल्डर से उठाने का कोई मतलब नहीं है। शोल्डर से पेशेंट को अपन लिफ्टिंग करेंगे तो कोई उस पर अपना जो फोर्स है वो लगेगा नहीं। और बैक से कभी भी नहीं करना होता है, क्योंकि बैक को तो प्रिवेंट करना होता है। नीज से लिफ्ट उसको बेंड होएंगे और रिस्ट से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम इलियोस्टोमी दैट वाज परफॉर्मेड टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ड्यूरिंग डिस्चार्ज स्टिचिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स शुड स्ट्रेस ऑन। एक क्लाइंट है जो रिकवरी हुआ है इलियोस्टोमी से, परफॉर्मेड टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज उसका डायग्नोसिस था जिसको ट्रीट करने के लिए इलियोस्टोमी हुई है और उससे रिकवर होकर पेशेंट आया है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स शुड स्ट्रेस ऑन, उसको डिस्चार्ज टीचिंग करते टाइम उसको क्या क्या टीचिंग देनी है? इंक्रीजिंग फ्लूड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी वियरिंग एन एप्लायंस पाउच ओनली एट बेड टाइम, ऑप्शन सी कंज्यूमिंग ए लो प्रोटीन हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन डी टेकिंग ओनली एंट्रिकोटेड मेडिकेशन।
अब इसका रेशनल की बात चलते हैं, तो ऑप्शन ए बिकॉज स्टूल फॉर्म्स इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इलियोस्टोमी टिपिकली ड्रेन फ्लूड वेस्ट टू अवॉइड फ्लूड लॉस थ्रू इलियोस्टोमी ड्रेनेज द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज फ्लूड इनटेक। यानी जब स्टूल होता है इसके अंदर इंक्रीजिंग फ्लूड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यही ऑप्शन सही होगा। बिकॉज क्योंकि स्टूल फॉर्म्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल बनता है एंड इलियोस्टोमी टिपिकली ड्रेन लिक्विड वेस्ट, और इलियोस्टोमी से ड्रेन होता रहेगा कंटिन्यूएशन के अंदर लिक्विड निकलता रहता है, तो उसको फ्लूड लॉस से प्रिवेंट करने के लिए इलियोस्टोमी ड्रेनेज से नर्स को नर्स है वो इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को कि फ्लूड है वो इनटेक है वो इंक्रीज करते रहे, यानी फ्लूड इनटेक है उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। ऑप्शन बी द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू वियर ए क्लेक्स एंड एप्लीएंस एट ऑल टाइम बिकॉज इलियोस्टोमी ड्रेनेज इनकॉन्टिनेंस। यानी इसके अंदर ऑप्शन बी के अंदर बोल रहा है वियरिंग एंड एप्लीएंस पाउच ओनली एट बेड टाइम, तो बेड टाइम ही नहीं लगाना है उसको, ऑल टाइम जो पाउच है वो पहन के ही रखना है उसको, क्योंकि उससे कंटिन्यूस के अंदर लिक्विड आता रहता है तो जिससे ड्रेनेज इनकॉन्टिनेंस होता है, इसलिए उसको ऑल टाइम वियरिंग पाउच है वो एप्लीएंस रखना ही रखना है। ऑप्शन सी है कंज्यूमिंग ए लो प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट, तो इसको तो अपने को अवॉइड करना है, क्योंकि अवॉइड हाई फाइबर फूड्स बिकॉज क्योंकि दे में इरिटेट द इंटेस्टाइन। यदि हाई फाइबर डाइट लेंगे तो वो इरिटेट करेगी, क्योंकि हाई फाइबर डाइट जो रिगेज डाइट होती है और ये क्या करती है अपनी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देती है, और बढ़ाने के कारण से इंटेस्टाइन होगी वो बहुत ज्यादा इरिटेंट हो जाएगी। ऑप्शन डी होता है अवॉइड एंट्री कोटेड मेडिकेशन बिकॉज क्योंकि द बॉडी कैन नॉट अब्जॉर्व देम आफ्टर एन इलियोस्टोमी। एंट्री कोटेड मेडिकेशन तो अपने को पेशेंट को इलियोस्टोमी वाले को देनी ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद में उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी नहीं, और नहीं जाएगी तो वहां पे ड्रग्स होगी वो अब्जॉर्व ही नहीं होगी, इसलिए अवॉइड करना है एंट्री कोटेड मेडिकेशन। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो गया इसके अंदर, करेक्ट आंसर इज ए, यानी इंक्रीज करना है फ्लूड इनटेक को डिहाइड्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 17 प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ क्रच मे कॉज इंजरी टू द, इसके अंदर जो क्रच होती है क्रच के जो अपर एंड है उससे कौन सी नर्व के अंदर इंजरी हो सकती है। ऑप्शन ए एक्सिलरी नर्व है, ऑप्शन बी लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, ऑप्शन सी मीडियन नर्व और ऑप्शन डी अल्लार नर्व है। अब इसका आंसर देखते हैं, इसके अंदर मोस्टली जो क्रच पाल्सी होती है क्रच पाल्सी से मेनली जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है इसी के अंदर इंजरी होती है, और ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर भी रेडियल नर्व के अंदर मोस्टली इंजरी होती है, बट इसके अंदर रेडियल नर्व का कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर आंसर जाएगा एक्सिलरी नर्व है। जैसे इसका रेशनल देखते हैं, कंडीशन नाउन इज क्रच पैरालिसिस और क्रच पाल्सी कैन अराइज फ्रॉम प्रेशर ऑन नर्व इन अर्मिट और एक्जिला, स्पेशली द ब्रेकियल प्लेक्सिस इन एक्जिला इज ऑफ्टन डैमेज फ्रॉम द प्रेशर ऑफ क्रच। इसके कारण से ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है जो एक्जिला का, उसी के अंदर मेनली इंजरी होती है, इसको क्रच पैरालिसिस भी बोलते हैं और क्रच पाल्सी भी बोलते हैं। ऑल ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी एक्जिलरी नर्व पाल्सी इज क्विट रेयर रिप्रेजेंट ओनली 3-6%। इसके अंदर होता क्या है, जो क्रच पाल्सी के अंदर मेनली तो रेडियल नर्व के अंदर इंजरी होती है, बट एक्जिलरी नर्व यहाँ पे आंसर आता है, बट जो कंप्लीटली ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो इंजरी होती है इसमें सिर्फ एक्जिलरी नर्व पाल्सी ओनली 3-6% ही होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया एक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 द मोस्ट लाइकली सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। एक मेटास्टेटिक कार्सिनोमा का पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसका सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट क्या होगा मोस्टली। ऑप्शन ए एसाइटिस, ऑप्शन बी निस्टिग्मस, ऑप्शन सी ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन डी है पॉलीसाइथेमिया। ऑप्शन ए एंड बी नॉट रिलेटेड टू करेक्ट आंसर, ए और बी है जो असाइटिस और निस्टिग्मस है इसका तो इससे कोई है ही नहीं। असाइटिस होता है वो तो एब्डोमिनल स्वेलिंग है कॉज्ड बाय अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड मोस्ट ऑफ्टन रिलेटेड टू लीवर डिजीज, ये तो एक लीवर डिजीज से रिलेटेड है और इसके अंदर एब्डोमिनल के अंदर स्वेलिंग आ जाती है फ्लूइड अकुमुलेशन होने के कारण से। और निस्टिग्मस है वो इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट है विच में कॉज द आई टू रेपिडली मूव फ्रॉम साइड टू साइड अप टू डाउन और इन ए सर्किल एंड में स्लाइटली ब्लूर विजन। निस्टिग्मस के अंदर क्या होता है आई की वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है जो रेपिडली आई मूवमेंट होती है, साइड टू साइड भी हो सकती है, अप टू डाउन भी हो सकती है और एक सर्किल के अंदर भी हो सकती है। और असाइटिस है वो एब्डोमेन की प्रॉब्लम है लीवर डिजीज से रिलेटेड है तो इसका कोई साइड इफेक्ट सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन सी है ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी ल्यूकोपीनिया लो डब्ल्यू बी सी इन ब्लड।
ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट ऑफ पेनसाइटोपीनिया मींस लो लेवल ऑफ ऑल ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सभी ब्लड सेल्स होती है वो डाउन होती है, सभी ब्लड सेल्स होती है वो डिक्रीज होती है, जिसको अपन पेनसाइटोपीनिया बोलते हैं। बट इसी के अंदर डब्ल्यूबीसी अकेली कम होती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हो गया ये पेनसाइटोपीनिया, बट इसके अंदर आंसर आ रहा है ल्यूकोपीनिया। ऑप्शन डी है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मींस हिमेटोक्रिट, द वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज होना पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। तो ऐसा भी होता नहीं है क्योंकि आरबीसीज तो बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट विद सीओपीडी इंक्लूड। इनके अंदर सीओपीडी का एक पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो रिलेवेंट मोस्ट नॉलेज होगा जो एक नर्स को एक डॉक्टर को रखना चाहिए वो क्या होगा। ऑप्शन ए ऑक्सीजन 1 से 2 लीटर प्रति मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग। ऑप्शन बी हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स द सेंट्रल केमोरिसेप्टर इन कॉर्टेक्स दैट मेक्स द पेशेंट ब्रीथ्स। ऑप्शन सी ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेड बेस्ट यूजिंग ए नॉन रीब्रीथिंग मास्क। ऑप्शन डी ब्लड गैसेस आर मॉनिटर्ड यूजिंग ए पल्स ऑक्सीमीटर। अब इसके रेशनल में चलते हैं, तो ऑप्शन ए है जिसके अंदर सीओपीडी पेशेंट टू गिव ऑक्सीजन एट नो मोर देन 28%। जब सीओपीडी का कोई पेशेंट होता है उसको 28% वाई वेंचुरी मास्क या और 4 लीटर प्रति मिनट, ओके, यानी 28% जो वेंचुरी मास्क है 4 लीटर प्रति मिनट से ज्यादा नहीं देते, और नो मोर देन 2 लीटर प्रति मिनट नेजल प्रोंग, और नेजल प्रोंग से कभी भी 2 लीटर प्रति मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देते, एंड एम फॉर ऑक्सीजन सेचुरेशन 88 से 92% अंटिल एबीजी हैव बीन चेक्ड। जब तक एबीजी चेक करके उसको प्रॉपर कितनी ऑक्सीजन चाहिए इस चीज का जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ को, तब तक उसको अपन यदि वेंचुरी मास्क से दे रहे तो 28% यानी 4 लीटर प्रति मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देते, और या उसको नेजल प्रोंग से दे रहे हैं तो 2 लीटर प्रति मिनट से यानी 24% से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देते। ऑप्शन बी नॉट रिलेटेड टू करेक्ट आंसर। इसका इस करेक्ट आंसर से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। ऑप्शन सी नो रीब्रीथिंग मास्क डिलीवरिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन टू स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग पेशेंट। स्पॉन्टेनियसली जो ब्रीथिंग पेशेंट होता है उसको बहुत हाई कंसेंट्रेशन के अंदर ऑक्सीजन दी जाती है, और सीओपीडी वाले पेशेंट को तो बहुत लो लेवल की ऑक्सीजन दी जाती है, तो ये भी रिलेवेंट इससे नहीं है। ऑप्शन डी ब्लड गैस मॉनिटरेड बाई आर्टेरियल ब्लड एंड प्लस ऑक्सीमीटर टू मॉनिटर पल्स एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब जो ब्लड गैस मॉनिटर होते हैं, ब्लड गैस मॉनिटर से तो आर्टरियल ब्लड चेकअप करते हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करते हैं पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो ये भी इससे कोई रिलेवेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी इंक्लूड। एक ब्रोंकोस्कोपी का पेशेंट है, उसको एक हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या देंगे जब ब्रोंकोस्कोपी जस्ट होके आया है पेशेंट, रिटर्न आया है तब आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी। 4 ऑप्शन है इसमें है। ऑप्शन ए फूड एंड फ्लूड विद बी विथहोल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर, यानी 2 आवर तक उसको अपन फूड और फ्लूड नहीं देना है, होल्ड करके रखना है। ऑप्शन बी वारम सलाइन गार्गल्स विल बी एवरी 2 आवर्स। ऑप्शन सी कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज विल बी डन 2 आवरली, और ऑप्शन डी है ओनली द कोल्ड लिक्विड विल बी अलाउड इनिशियली। बट इसके लिए अपन एक डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले एटेलेक्टासिस। एटेलेक्टासिस क्या होता है? इट इज ए कंप्लीट और पार्शियल कोलेप्स ऑफ इंटायर लंग्स और एरिया लोब्स ऑफ लंग्स। इट अक्कर व्हेन द टिनियर सैक्स एल्वियोलाई विद इन द लंग्स बिकम डिप्लेटेड और पॉसिबली फिलेड विद एल्वियोलर फ्लूड। इट मोस्ट ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी और एनेस्थीसिया। एटेलेक्टासिस क्या होता है? यदि कभी भी किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया और सर्जरी होती है, यानी कोई भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसके बाद में होता क्या है, जो उसके लंग्स होते हैं या फिर लंग्स का कोई भी लोब होता है, इंटायर लंग्स भी हो सकता है और एक पार्शियल कोलेप्स यानी एक स्पेशल लोब्स भी होता है, वो कोलेप्स हो जाते हैं। इट अक्कर व्हेन द टिनी एयर सैक्स विद इन लंग्स बिकम डिप्लेटेड, जिससे एल्वियोलाई होती है वो वापस खुल नहीं पाती है, चिपक जाती है, पॉसिबली फिलेड विद एल्वियोलर फ्लूड, इसके अंदर एल्वियोलर फ्लूड होता है वो भर जाता है। इट मोस्ट ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी और एनेस्थीसिया के बाद में मोस्टली कॉम्प्लिकेशन होती है।
इसीलिए अब ब्रोंकोस्कोपी हुई, तो ब्रोंकोस्कोपी के बाद भी अपने को एटेलेक्टासिस से इस पेशेंट को प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या देंगे, जब जब पेशेंट का अटेंडेंट होगा, जो रिलेटिव होंगे, उसको क्या हाईएस्ट जो प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन देंगे? तो ऑप्शन ए है फूड एंड फ्लूड विथ बी विथहोल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर, ऑप्शन बी वार्म सलाइन गार्गल विथ एवरी 2 आवर्स, और ऑप्शन डी है ओनली कोल्ड लिक्विड विल बी अलाउड इनिशियली, यानी ऑप्शन ए बी डी नॉट रिलेटेड टू करेक्ट आंसर, बिकॉज क्योंकि इट्स टू एस्प्रेट द पेशेंट, पेशेंट ओरली नॉट अलाउड टिल गैग रिफ्लेक्स रिटर्न, जब तक पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स है वो रिटर्न नहीं आता है, तब तक उसको अपन कोई भी लिक्विड वगैरह नहीं दे सकते। और ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि 2 घंटे बाद में उसको अपन फूड और फ्लूड दे सकते हैं, तो गलत है ये। और ऑप्शन बी है वार्म सलाइन गार्गल, उसको हर 2 घंटे से देनी है, तो ये भी अपन इनिशियली स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं आता है। और ऑप्शन डी बोल रहा है कोल्ड लिक्विड देंगे, उसको अलाउ करेंगे तुरंत इनिशियली, तो ये भी नहीं कर सकते, तो ये तीनों इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और ऑप्शन सी है कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज विल बी डन टू अवरली, ऐसा अपन करेंगे ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर हो गया सी, क्यों? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कपिंग कराने से उसके जो कोलेप्स हुए हुए लंग्स है वो वापस खुल जाएंगे और उससे एटेलेक्टासिस से प्रिवेंट होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इन ए पेशेंट विथ एक्यूट रेनल फेलियर हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इंफ्यूजन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट, एक रीनल एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसको हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन और सोडियम बाइकार्बोनेट अपन देंगे तो किस चीज को ट्रीट करने के लिए देंगे? जो 4 ऑप्शन है अपने पास, एक तो हाइपरनेट्रेमिया यानी सोडियम का ज्यादा हो जाना, हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम का बॉडी में ब्लड में कम हो जाना, और हाइपरकैलेमिया यानी ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तब, और ऑप्शन डी है हाइपरकैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो रहा है तब। तो इसके अंदर रेशनल के ऊपर चलते हैं, द किडनी प्लेज ए प्राइमरी रोल इन पोटेशियम बैलेंस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ पोटेशियम एक्सक्रीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज रेगुलेटेड बाय फिजियोलॉजिक फैक्टर सच एज इंसुलिन एंड कैटेकोलामाइंस व्हिच स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज। एक किडनी होती है, किडनी का मोस्टली रोल होता है, मोस्ट रोल प्ले करती है पोटेशियम के बैलेंस के लिए, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रेट ऑफ पोटेशियम एक्सक्रीशन, यानी जब बॉडी के अंदर एक पोटेशियम ज्यादा हो गया तो उसको बाहर ज्यादा निकालेगी, और जब बॉडी के अंदर कम हो गया तो उसको रिटेंशन करेगी पोटेशियम को, ये किडनी का मेन रोल होता है पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम बिटवीन इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन भी यही करती है, किससे? एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उससे, जैसे इंसुलिन और कैटेकोलामाइन होते हैं बॉडी के अंदर, वो स्टिमुलेट करते हैं एक्टिविटी को सोडियम पोटेशियम एटीपेज को, यानी सोडियम पोटेशियम के जो चैनल्स होते हैं अपने सेल्स के अंदर, जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूड कंपार्टमेंट है उसके अंदर पोटेशियम को बैलेंस को बनाए रखते हैं, ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं इंसुलिन और कैटेकोलामाइन जो इसको स्टिमुलेट करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल को। अब आता है ऑप्शन ए हाइपरनेट्रेमिया, इसके अंदर हाइपरनेट्रेमिया को तो अपन ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? हाइपोटोनिक फ्लूड देंगे। और ऑप्शन बी है हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया के अंदर अपन पोटेशियम देंगे आईवी या ओरली जैसे भी। ऑप्शन सी है हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए अपन इंट्रावेनस इंसुलिन देंगे विद ग्लूकोज एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी है हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया के अंदर होता है बिस्पोफोस्फेट, बिस्पोफोस्फेट और इंट्रावेनस ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग विच कैन क्विकली लोअर कैल्शियम लेवल आर ऑफ्टन यूज टू ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का एंटीडोट देंगे, और कैल्शियम के एंटीडोट के अंदर कौन काम करेगा? बिस्पोफोस्फेट, यानी फोस्फेट और कैल्शियम दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, जब फोस्फेट का लेवल बढ़ता है तो कैल्शियम का कम होता है, और कैल्शियम का बढ़ता है तो फोस्फेट का कम होता है, जब अपन उसको फोस्फेट देंगे तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम के लेवल को वो घटा देगा, और या तो ऐसा देंगे या फिर इंट्रावेनस ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग्स देंगे, यानी ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऑस्टियोपोरोसिस बॉडी में कब होता है? जब अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, और जब अपने बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम करने वाले ड्रग्स को भी अपन ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग्स ही बोलते हैं, यानी हड्डियों को खोखली करने वाली या हड्डियों से कैल्शियम को कम करने वाली ऐसी ड्रग्स अपने इंट्रावेनस उसको देंगे, जिसके कारण से उसका कैल्शियम का एक्सक्रीशन होगा, तो ये हाइपरकैल्शियमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया सी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस Who is on isoniazid therapy should also be administered. एक पेशेंट है जो ट्यूबरक्लोसिस का, उसको आइसोनियाजिड थेरेपी चल रही है, तो उसके साथ में अपन कौन सी इनमें से ड्रग्स देंगे?
ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी निकोटिनिक एसिड और ऑप्शन डी है पायरिडोक्सिन। इनमें से कौन सी ड्रग्स है वो आइसोनियाजिड थेरेपी के साथ अपन उसको देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में है अपन उसको देंगे पायरिडोक्सिन, जिसको अपन विटामिन बी सिक्स बोलते हैं, वो क्यों देंगे। पायरिडोक्सिन यानी विटामिन बी सिक्स सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग आइसोनियाजिड थेरेपी इज नेसेसरी इन सम पेशेंट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ पेरीफेरल न्यूरोपैथी। द रूटीन यूज ऑफ पायरिडोक्सिन सप्लीमेंटेशन टू प्रिवेंट पेरीफेरल न्यूरोपैथी इन हाई रिस्क पॉपुलेशन इज रिकमेंडेड। जो आइसोनियाजिड जिस पेशेंट को चलती होती है उस पेशेंट को विटामिन बी सिक्स की कमी हो जाती है, और जिसके कारण से होता क्या है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन बी सिक्स आइसोनियाजिड के साथ पेशेंट को दी ही जाती है रूटीनली। जो भी टीबी की जितने भी ड्रग्स है उनके अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग साइड इफेक्ट्स है, और उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो वैसे ही आइसोनियाजिड के लिए विटामिन बी सिक्स है वो दी जाती है। हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है वहां पे जो पायरिडोक्सिन देते ही देते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी से प्रिवेंट करने के लिए। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया डी। और वैसे थायमिन है, थायमिन का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। रिफाम्पिसिन है, खुद एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, जो हालांकि इसके साथ ही चलती है, इस ड्रग के साथ ही दी जाती है, बट इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं दी जाती है। निकोटिनिक एसिड का भी कोई रोल नहीं है और पायरिडोक्सिन इसके अंदर दी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 23, इन हीमोफीलिया द ब्लीडिंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एक हीमोफीलिया का पेशेंट है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, तो वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण से ब्लीडिंग होती है। ऑप्शन ए फैक्टर 4, ऑप्शन बी फैक्टर 7, ऑप्शन सी फैक्टर 8, ऑप्शन डी फैक्टर 9। ये क्लोटिंग फैक्टर है। अपने बॉडी के अंदर 13 क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ब्लड को क्लोट करने के लिए फैक्टर होते हैं। उनमें से अलग अलग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, उनके अलग अलग नाम है। बट हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, दो प्रकार का हीमोफीलिया होता है, जिसके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है उसके कारण से हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण से, और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के कारण से हीमोफीलिया बी होता है। बट सिर्फ अपने से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर्फ हीमोफीलिया, तो उसके अंदर सिर्फ अपने को फैक्टर 8 पे ही जाना जाना है। इसके अंदर रेशनल में जाते हैं तो हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 डेफिशिएंसी एंड हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 डेफिशिएंसी आर एक्स लिंक्ड कोगुलेशन फैक्टर है, डिसऑर्डर है एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग ऑफ वेरिएबल सीवियरिटी। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ए क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न्ड टू नर्सिंग यूनिट आफ्टर एन अबोव नी एम्पुटेशन ऑफ द राइट लेग। द नर्स प्लेसेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन। एक क्लाइंट है जस्ट रिटर्न हुआ है, अभी नर्सिंग यूनिट के अंदर आया है, आफ्टर अबोव नी एम्पुटेशन, जिसका नी का एम्पुटेशन हुआ है नी से अबोव राइट लेग का। द नर्स प्लेसेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन, तो उसको नर्स कौन सी पोजीशन के अंदर उसको लिटाएगी। ऑप्शन ए है सुपाइन विथ स्टंप फ्लैट ऑन बेड, सुपाइन लिटाएगी और स्टंप को फ्लैट रखेगी बेड पे। ऑप्शन बी सुपाइन विथ स्टंप इलिवेटेड, सुपाइन के साथ स्टंप को इलिवेट रखेगी, ऊपर करेगी। ऑप्शन सी है रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर पैर बॉडी एकदम बिल्कुल फ्लैट होती है बट पैर अप होते हैं और हेड डाउन होता है। ऑप्शन डी है प्रोन। अब इसके रेशनल में चलते हैं, पहले सबसे पहले ऑप्शन बी, क्योंकि राइट आंसर इसमें बी है तो ऑप्शन बी होगा, बट क्यों होगा। द एम्पुटेटेड लिम इज यूजुअली सपोर्टेड ऑन पिल्लो फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, जो फर्स्ट 24 आवर्स होंगे उसके ऊपर तो अपन उसको सपोर्टेड ऑन पिल्लो, पिल्लो का सपोर्ट करके इलिवेटेड रखेंगे। फॉलोइंग सर्जरी टू प्रमोट वेनस रिटर्न, जिसके कारण से वेनस रिटर्न होगा एंड डिक्रीज एडिमा, और जिसके कारण से एडिमा नहीं होगा। आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स द एम्पुटेटेड लिम यूजुअली इज प्लेस्ड फ्लैट ऑन बेड टू रिड्यूस हिप कॉन्ट्रैक्चर्स, और उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स उसको फ्लैट रख देंगे जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्चर नहीं हो। एडिमा आल्सो बी कंट्रोलेड बाय लिंब रैपिंग टेक्निक। लिंब रैपिंग टेक्निक क्या होती है, यानी बैंडेज से रैपिंग की जाती है। जब एम्पुटेशन किया जाता है तो एम्पुटेशन का जो लास्ट पार्ट होता है, एंड पार्ट होता है, उसके ऊपर रैपिंग होती है। उस रैपिंग की टेक्निक होती है, वो टेक्निक वहां यूज की जाती है, जिसके कारण से एडिमा नहीं होता, यानी कंप्रेशन बैंडेज यूज की जाती है वहां पे। इन एडिशन इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग पोजिशनिंग फॉलोइंग एम्पुटेशन। वैसे किसी पेशेंट के लिए स्पेशल पोजिशनिंग हो सकती है, इसीलिए कभी भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके प्रेस्क्रिप्शन जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको रीड करना चाहिए। बट मोस्टली पेशेंट के लिए होता क्या है, यदि एम्पुटेटेड पार्ट है अबो नी एम्पुटेशन, तो उसको फर्स्ट 24 आवर्स तो अपन पिल्लो का सहारा देके उसको पिल्लो डाउन लगा के उसको इलिवेटेड रखेंगे, जिसके कारण से उसको एडिमा ना हो, और आफ्टर 24 आवर्स उसको फ्लैट रखेंगे, जिससे अपने को प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर हो सके, हिप का कॉन्ट्रैक्चर ना हो। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आफ्टर 24 आवर्स यदि किसी पेशेंट का
जो लिम्ब है उसको इलिवेटेड रखेंगे तो हिप कॉन्ट्रेक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ए एंड सी एंड डी नॉट रिलेटेड टू करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। ए क्लाइंट रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लेरिंग्स, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड इज। एक क्लाइंट है जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन दी जा रही है नेक के ऊपर कैंसर ऑफ लेरिंग्स के लिए, तो मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या होगा उसको? ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी डिस्पनिया, ऑप्शन सी सोर थ्रोट, ऑप्शन डी डायरिया। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन सी सोर थ्रोट। इन जनरल ओनली द एरिया इन ट्रीटमेंट फील्ड इज अफेक्टेड बाय द रेडिएशन। स्किन रिएक्शन, फेटिक, नोजिया एंड एनोरेक्सिया में अकर विद रेडिएशन टू एनी साइट। यदि रेडिएशन किसी भी एरिया पे दी जाती है तो मोस्टली उसको स्किन रिएक्शन, फेटिक, नोजिया एंड एनोरेक्सिया ये साइड इफेक्ट होते ही होते हैं अकर विद रेडिएशन टू एनी साइट। वेरियस अदर साइड इफेक्ट अकर ओनली वेन स्पेसिफिक एरियाज आर इन्वॉल्वमेंट इन ट्रीटमेंट। और इन जो कॉमन साइड इफेक्ट है इनके अलावा जिस जिस एरिया पे जो रेडिएशन दी जाती है उस एरिया के अकॉर्डिंग कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे नेक के ऊपर सोर थ्रोट होता है वैसे ही मोस्टली तो स्किन रिएक्शन, फेटिग, नोजिया और एनोरेक्सिया ही होता है, बट नेक पे ये हो गया। यदि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर है तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ऐसा कुछ हो सकता है। ए क्लाइंट रिसीविंग रेडिएशन टू लेरिंग्स इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस ए सोर थ्रोट। यदि लेरिंग्स में अपन रेडिएशन दी जाती है तो वहां पे मोस्टली साइड इफेक्ट सोर थ्रोट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए और डी, ए और डी कौन सा है? कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। ये मे अकर विद रेडिएशन टू गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। यदि जीआईटी में कहीं रेडिएशन दी जाती है तो वहां पे ऑप्शन ए और डी देखने को मिलता है। ऑप्शन बी डिस्पनिया में अकर विद लंग इन्वॉल्वमेंट। डिस्पनिया यदि लंग इन्वॉल्वमेंट हो या लंग्स पे यदि लंग्स कैंसर के लिए अपन रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो वहां पे डिस्पनिया देखने को मिलता है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ए क्लाइंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ गाउट इट आल्सो डायग्नोस्ड विद यूरोलिथियासिस। द स्टोन आर ऑफ यूरिक एसिड टाइप। ए नर्स गिव्स द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन टू लिमिट इनटेक ऑफ विच फूड। एक क्लाइंट है उसकी गाउट की हिस्ट्री है और डायग्नोस है वो यूरोलिथियासिस है। द स्टोन आर ऑफ यूरिक एसिड टाइप, यदि उसका अपन टेस्ट कराया तो अपने को पता लगा कि उसके जो भी स्टोन्स है वो यूरिक एसिड टाइप के हैं, और उसको अपन क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे कि ये फूड आपको लिमिट के अंदर इंटेक करना है जिसके कारण से आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़े ना और जिससे आपकी गाउट भी ना बढ़े और यूरिक एसिड के स्टोन्स भी बॉडी के अंदर ना बढ़े। तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है एप्पल्स, ऑप्शन सी है कैरोट्स, ऑप्शन डी है मिल्क। अब चलते हैं इसके रेशनल पे। तो सबसे पहले तो देखते हैं गाउट। गाउट क्या होता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस दैट डेवलप्स इन सम पीपल हु हैव हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। द एसिड कैन फॉर्म नीडल लाइक क्रिस्टल्स इन ए जॉइंट्स एंड कोज सडन सीवियर एपिसोड ऑफ पेन, टेंडरनेस, रेडनेस एंड वार्म्स एंड स्वेलिंग। होता क्या है, हाइपर यूरिसेमिया तो होता है ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, और जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना कहलाता है गाउट। यानी गाउट एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है जो डेवलप होती है कुछ लोगों के अंदर, जिसके कारण से हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड यदि ब्लड के अंदर बढ़ गया तो जिसके कारण से वो क्या होगा, जो यूरिक एसिड होगी वो नीडल लाइक के क्रिस्टल्स बनाने लग जाएगी जॉइंट्स के अंदर, जिसके कारण से सडन सीवियर एपिसोड ऑफ पेन होगा और जिससे टेंडरनेस होगी, रेडनेस होगी, वार्म्थ होगी और स्विलिंग आएगी। ओके, फिर बात करते हैं यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस क्या है? ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग स्टोन इन किडनी, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। यूरोलिथियासिस एक स्टोन फॉर्मिंग प्रोसेस है, कहां पे? किडनी, ब्लेडर और यूरेथ्रा के अंदर, यानी यूरिनरी ट्रैक के अंदर। किडनी स्टोन्स आर कॉमन कॉज ऑफ ब्लड इन यूरिन एंड पेन इन एब्डोमेन। यदि किडनी के अंदर स्टोन्स होता है तो उसके मोस्टली क्या कॉज करता है, यूरिन के अंदर ब्लड आएगा और एब्डोमेन के अंदर पेन होगा, फ्लैंक के अंदर पेन होगा, ग्रोइन के अंदर पेन होगा। यानी एब्डोमेन, फ्लैंक और ग्रोइन के अंदर पेन होगा यदि किडनी के अंदर स्टोन्स होंगे तो, और यूरिन के अंदर ब्लड आएगा। ओके, और किडनी स्टोन्स अकर इन 1 in 20 पीपल एट सम टाइम इन देयर लाइफ। एक कंप्लीट लाइफ के अंदर 20 लोगों में से हर एक आदमी के अंदर किडनी स्टोन्स होते ही होते हैं, ये मोस्टली डेटा है। लिमिट इनटेक ऑफ विच फूड्स, यदि इससे प्रिवेंट करने के लिए अपने को कौन से फूड है जिनको अपने को लिमिट इनटेक करना है? तो यूरिक एसिड कैन रिजल्ट फ्रॉम ए डाइट हाई इन प्यूरिंस। यूरिक एसिड बॉडी के अंदर उनसे बढ़ता है जिसके अंदर, जिस डाइट के अंदर प्यूरिंस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, विच आर फाउंड स्पेशली इन एनिमल प्रोटीन्स। जैसे कुछ एनिमल प्रोटीन्स होते हैं जैसे बीफ, पोल्ट्री, पोर्क, एग एंड फिश,
इनके अंदर हाई प्यूरिन डाइट होती है और हाई प्यूरिन पाया जाता है जिसके कारण से यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है। द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिन आर फाउंड इन ऑर्गन मीट्स सच एज लीवर एंड फिश। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोटीन्स कैन कॉज यूरिक एसिड टू बिल्ड अप इन यूरिन। होता क्या है, हाइएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिन किसमें पाया जाता है, ऑर्गन मीट्स होती है जैसे लीवर हो गया, फिश हो गया, इनके अंदर हाइएस्ट लेवल ऑफ जो प्यूरिन पाया जाता है। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोटीन्स कैन कॉज यूरिक एसिड टू बिल्ड अप द यूरिन। यूरिन के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यदि अपन इन प्रोटीन्स को ये ज्यादा लेंगे तो। इसलिए अपने को किस चीज को अवॉइड करना है, ऑप्शन बी सी और डी नॉट रिलेटेड टू करेक्ट आंसर। बी कौन सा है, एप्पल कैरोट मिल्क, इनका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोई रिलेटेड ही नहीं है क्योंकि ये सारे नॉन वेजिटेरियंस डाइट है, ये सारी की सारी एनिमल्स प्रोटीन्स होती है उन्हीं से अपने को प्यूरिन्स बढ़ता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, लीवर, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आया है लीवर, तो लीवर के कारण से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो इसको अपने को अवॉइड करना है। तो राइट आंसर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन ए पेशेंट हैज एन एपिसोड ऑफ एपिस्टाक्सिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स टेक फर्स्ट। एक पेशेंट है जिसको एपिसोड ऑफ एपिस्टाक्सिस हुआ है, कौन सी एक्शन है जिसके कारण से सबसे पहले उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए या फिर एपिस्टाक्सिस वाले पेशेंट के लिए सबसे पहले कौन सा एक्शन अपने को करना चाहिए। ऑप्शन ए अप्लाइंग आइस टू बेक ओ पेशेंट नेक। ऑप्शन बी टिपिंग द पेशेंट बैकवर्ड एंड इनकोरेज स्वेलोविंग। ऑप्शन सी डिटरमाइन इफ पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। ऑप्शन डी हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज। अब इसका रेशनल देखते हैं, एपिस्टाक्सिस पहली बात होता क्या है, तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड बाई नोज पिकलिंग और ट्रोमा। नोज से ब्लीडिंग होना यानी नोज ब्लीडिंग ही एक तरह से एपिस्टाक्सिस है, जो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और किसी से इंड्यूस्ड भी हो सकती है, जैसे कोई ट्रोमा या फिर कोई चोट वगैरह लगने से भी हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट इनके अंदर क्या होता है, टू स्टॉप ए नोज ब्लीडिंग यानी नोज ब्लीड को स्टॉप करना होता है। लीन योर हेड स्लाइडली फॉरवर्ड यानी हेड को स्लाइडली थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करना है। एंड पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, और नोज का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको पिंच करना है अगेंस्ट द हार्ड बोनी रिज, जो अंदर हार्ड बोनी रिज है उसके अगेंस्ट अपने को सॉफ्ट पार्ट को दबाना है, यानी दोनों साइड से नाक को टू फिंगर से दबाना है उसको। That forms the bridge of your nose, जिसके कारण से जो ब्रिज होगा वो भी उससे दब जाएगा, जैसे इस पिक के अंदर दिखाया हुआ है। इस तरीके से लेन फॉरवर्ड होना है और इस तरीके से सॉफ्ट जो बोनी पार्ट के ऊपर वाला पार्ट है, जो सॉफ्ट पार्ट है जो अगेंस्ट द बोनी पार्ट है, उसको अपने को कंप्रेस करना है। ऑप्शन ए बी सी नॉट रिलेटेड टू करेक्ट एक्शन इन नोज ब्लीड। जो नोज ब्लीडिंग के अंदर ए बी सी ऑप्शन है वो बिल्कुल कभी भी नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अप्लाइंग आइस टू बेक ये बिल्कुल नहीं करते, और टिपिंग द बैकवर्ड बैकवर्ड तो बिल्कुल नहीं करना है, स्वेलोविंग भी नहीं करना है जिसके कारण से एस्पिरेट कर सकते हैं। और डिटरमाइन इफ द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हिस्ट्री मालूम थोड़ी करनी है अपने को, तो उस टाइम तो अपने को तुरंत के तुरंत ब्लीडिंग को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पल्स डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन, पल्स डेफिसिट कौन सी दो पल्स के अंदर डिफरेंस को बोलते हैं, रेडियल एंड अल्नार पल्स। ऑप्शन बी रेडियल एंड टेम्पोरल पल्स। ऑप्शन सी रेडियल एंड एपिकल पल्स। ऑप्शन डी इज रेडियल एंड कैरोटिड पल्स। तो इसका रेशनल है, पल्स डेफिसिट द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। एपिकल पल्स कहाँ जाती है, ली जाती है एपेक्स ऑफ हार्ट पे ली जाती है, और रेडियल पल्स कहाँ ली जाती है, रिस्ट ऑफ हैंड्स पे। ऑब्टेनेड बाई हैविंग 1% काउंट द एपिकल पल्स एज हियर्ड थ्रो ए स्टेथोस्कोप ओवर द हार्ट एंड 2% काउंट द रेडियल पल्स एट द सेम टाइम। यानी एक ही टाइम के अंदर 2%, एक तो स्टेथोस्कोप से हार्ट के ऊपर एपिकल पल्स को सुनेगा और 2% है वो रेडियल पल्स काउंट करेगा हैंड पे सेम टाइम के अंदर, फिर उनके अंदर जो डिफरेंस आता है तो उसको अपन पल्स डेफिसिट बोलते हैं। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया सी, रेडियल एंड एपिकल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस एमोंग द फॉलोइंग टू विच ए नर्स पेज अटेंशन वेन कंडक्टिंग ए जनरल सर्वे ओवर एन एडल्ट क्लाइंट। यानी वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस एमोंग द फॉलोइंग टू विच ए नर्स पेज अटेंशन वेन कंडक्टिंग ए जनरल सर्वे ऑन ए एडल्ट क्लाइंट। एक एडल्ट क्लाइंट का जनरल सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे के अंदर
नर्स मोस्ट अटेंशन रोल क्या प्ले करेगी उसके अंदर? ऑप्शन ए अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ऑप्शन बी मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइन, और ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम, ऑप्शन डी कलेक्टिंग डिटेलेड हेल्थ हिस्ट्री। तो ऑप्शन ए ए जनरल सर्वे, अपीयरेंस एंड बिहेवियर, यानी ए जनरल सर्वे क्या होता है? ए जनरल सर्वे इज ए ओवरऑल रिव्यू ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ए नर्स हेड एंड हेज ऑफ पर्सन्स वेलबींग। पर्सन्स की वेलबींग के लिए सबसे फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं। दिस इज डन हेड टू टो और सिपेलोकोडल लेटरल लेटरल टू लेटरल और प्रोक्सिमो डिस्टल एंड फ्रंट टू बैक। यानी इसके अंदर किस तरह से करते हैं अपने जनरल सर्वे कैसे करते हैं? हेड टू टो यानी सर से लेके नीचे फिंगर्स तक यानी अपने लेग फिंगर्स तक जो टोय होता है वहां तक, और सिपेलोकोडल सिपेलोकोडल यानी हेड से लेके जो स्पाइन है स्पाइन का जो लोअर एंड होता है वहां तक, और लेटरल टू लेटरल यानी साइड से साइड, और प्रोक्सिमो टू डिस्टल यानी जन दूर से बॉडी के पास वाले एरिया तक, और पास वाले एरिया से दूर तक, एंड फ्रंट टू बैक सामने से पीछे वाले साइड तक। ये अपन जनरल सर्वे करते हैं। जनरल सर्वे इज विजुअल ऑब्जर्वेशन, और जनरल सर्वे एक तरह का विजुअल ऑब्जर्वेशन होता है। इसके अंदर सिर्फ ये सारा सर्वे होता है सिर्फ आंखों से देख के विजुअल ऑब्जर्वेशन से ही होता है। ऑप्शन बी सी और डी नॉट ए विजुअल ऑब्जर्वेशन, इट मेजरिंग ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी है मेजरिंग ऑफ वाइटल साइन है, ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम को भी चेक करने के लिए मेजरी करना पड़ता है, और कलेक्टिंग डिटेलेड हिस्ट्री करने के लिए भी मेजरी करना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन बी और सी और डी है ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, विजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये मेजरिंग ऑब्जर्वेशन है। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। ब्रेक ऑफ इन्फेक्शन के लिए चेन के लिए कौन सा इफेक्टिव मेथड है? ऑप्शन ए हैंड हाइजीन, ऑप्शन बी वियरिंग ग्लव्स, ऑप्शन सी प्लेसिंग क्लाइंट इन आइसोलेशन, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम फॉर क्लाइंट्स। इसका रेशनल देखते हैं, हाउ कैन यू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इसके पांच प्रॉपर मेथड है जिनसे अपन इसको इन्फेक्शन ऑफ चेन को तोड़ सकते हैं। नंबर वन हैंड हाइजीन, नंबर टू ग्लव्स, नंबर थ्री रूम क्लीन, नंबर फोर डिसइंफेक्टेड सरफेस, एंड नंबर फाइव प्रॉपर मेडिकल डिवाइस केयर। जिसके अंदर हैंड वॉशिंग का मींस हो गया हैंड वॉशिंग, आल्सो नाउन एज हैंड हाइजीन, इट द एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड्स फॉर पर्पज ऑफ रिमूविंग सोइल डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर ये फाइव मेथड है, ये सभी इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करते हैं, बट इसके क्वेश्चन के अंदर सबसे इफेक्टिव मेथड पूछा है, सबसे इफेक्टिव वे कौन सा है, तो इसके अंदर हैंड हाइजीन मोस्टली है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हैंड हाइजीन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, घंटे के निशान को दबाएं, जिससे जो भी नई वीडियो आए उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस तरह के सेशन पे बन सकती है। थैंक यू फ्रेंड, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।